I'm Shashi Nahata and welcome back to Masala Mystery. Masala Mystery में मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे कि राखी के लिए छोटे छोटे बाइट साइज कोई ऐसी मिठाई बताओ जो आप झटपट बना सकते हो। ये जो लॉकडाउन अनलॉकडाउन जो ये चल रहा है उसके अंदर ऐसे ही हमारे पास बहुत काम है। हम घर पे बैठे हैं मगर ऐसे लगता है कि बहुत आसान है, मगर क्या हो गया है कि लेडीज के पास इतने काम हो चुके हैं, बच्चे घर पे, समटाइम्स हस्बैंड जल्दी आ जाते हैं और सारा खाना घर पे बनाना पड़ता है, तो त्योहार एंजॉय करने के लिए हमको टाइम सेव करना है। तो इस टाइम सेविंग रेसिपी के लिए मैं बहुत ही ट्रेडिशनल एक रेसिपी बताने वाली हूँ, वो है कलाकंद की। कलाकंद को बहुत तरीकों से बनाया जाता है और ढेरों तक उसको खिलाना पड़ता है, मगर एज यूजुअल मैं मसाला मिस्ट्री में आपको सिखाऊंगी ऐसा कलाकंद जो 7 to 10 मिनट्स के अंदर आप बना के बिल्कुल उसको बाइट साइज काट के और चलते बनोगे अपने भाइयों के घर। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड टू मेक कलाकंद इन मसाला मिस्ट्री स्टाइल। चलिए फ्रेंड्स, कलाकंद बनाने के लिए हम सबसे पहले एक पैन को ले लेते हैं और उसके अंदर मैं अभी देखिए 1 कप मिल्क ले रही हूँ। आप क्वांटिटी इसके हिसाब से डबल ट्रिपल कर सकते हो, अब बहुत ज्यादा प्रिसाइज इसके अंदर रहने की जरूरत नहीं है आपको कि इतना होगा तो ही काम बनेगा। अब हम इसको रिड्यूस करेंगे, मिल्क को रिड्यूस करेंगे, इसको उबलने देते हैं और इसको कंटिन्यू हम चलाते रहेंगे। फ्रेंड्स, जब ये दूध गर्म हो जाए तब आप ध्यान रखिए और एकदम इसको कंटिन्यू आप चलाते रहिए। फ्रेंड्स, मेरा ये बहुत ही ईजी तरीका है कलाकंद बनाने का और आप देख के एकदम दंग रह जाओगे कि बहुत ही इजी रेसिपी है, क्योंकि इसके अंदर मैं अभी डालने वाली हूँ मिल्क मेड। अगर आपको मिल्क मेड या कंडेंस मिल्क नहीं डालना हो तो आप दूध की क्वांटिटी डबल कर ले, ट्रिपल कर ले और इसको अच्छे से रिड्यूस करना पड़ेगा आपको। तो चलिए थोड़ा और रिड्यूस होने के बाद में मिलते हैं। फ्रेंड्स, जब ये थोड़ा बहुत बॉइल हो जाए तब आप इसके अंदर, जैसे आपने 1 कप दूध लिया है तो आधा कप इसके अंदर आप कंडेंस मिल्क ले लीजिए। और देखिए, कंडेंस मिल्क मैं आधा कप ले रही हूँ और आप घर पे बना हुआ या बाहर का कहीं का भी ले सकते हो। कंडेंस मिल्क मैंने अभी ही हाल ही में हमारे चैनल पे कंडेंस मिल्क की रेसिपी मैंने डाली है, तो आप घर में भी बना के आप कंडेंस मिल्क रख सकते हो जब भी आपको टाइम मिले और फिर जब आपको झटपट झटपट कुछ कुछ बनाना रहे तो आप उसके अंदर यूज कर सकते हैं और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ये फ्रेंड्स, आप देखिए कि ऑलमोस्ट मतलब सिर्फ 5 ही मिनट हुए हैं मुझे इसको रिड्यूस करते हुए और ये काफी अच्छा गाढ़ा हो गया है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 कप क्रम्बल्ड पनीर। आप घर पे ही छेना फाड़ ले और इसके अंदर छेना डाल सकते हो। छेना अगर आपके पास बचा हो, पनीर अगर आपको नॉर्मल पनीर आपके पास हो, पनीर बाहर से लेके आते उससे भी आप बना सकते हो। आप बस इसको ग्रेट कर लीजिएगा। पूरा मिला के आपको 5-7 मिनट भी इसके इस रेसिपी में नहीं लगेंगे तो आप इसको बहुत ही आसान तरीके से कलाकंद बना पाओगे। देखिए फ्रेंड्स, पनीर डालते ही एकदम ऐसे काफी मोटा होने लग गया है और आप इसको एकदम कंटिन्यू हिलाते रहें और इसके अंदर थोड़ी सी पीसी हुई इलायची डाल दें। केसर भी डाल सकते हो अगर आपको केसर या कलाकंद बनानी हो तो। और ये थोड़ा सा उछलेगा तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसको, मगर मैं बता रही हूँ आपको इस रेसिपी से आप बनाइएगा बहुत ही अच्छा और बढ़िया कलाकंद बनेगा। अच्छा, आजकल ज्यादा मीठा प्रेफर नहीं करते हैं तो मैं इसके अंदर एक्स्ट्रा शुगर नहीं डालने वाली हूँ। अगर आपको चाहिए, आपको लगे कि आपको थोड़ा और मीठा खाना है तो इस स्टेज पे आप थोड़ी सी इसके अंदर चीनी डाल लीजिएगा। आप भी कोशिश करके अगर नॉनस्टिक में बनाओगे तो फटाफट बन जाएगा और आपको लगने की टेंशन नहीं रहेगी नीचे लगाने की। ये दाने दाने आप देख रहे हो वो पनीर है। बहुत सारे लोग इसके अंदर फिर उसको फाड़ते हैं, करते हैं, इसमें बहुत टाइम लगता है, दूध और पानी अलग। फ्रेंड्स, जो पनीर था, मतलब जो आपने छेना देखा था, वो छेना आपको मैं बताऊंगी तो आप परेशान हो जाओगे कि क्या चीज का छेना था। वो जो हम मलाई अलग कर लेते हैं बटर निकालने के लिए, तो बटर निकालने के बाद में ज्यादा दिन हम लोग उसको मतलब इकट्ठा नहीं करेंगे। 2 या 3 दिन की ही अगर मलाई हो और आप उसका बटर निकालने के बाद में उसका घी बनाने के लिए जो नीचे का जो दूध बचता है आप उसका भी छेना बना के ये सब चीजों में आप यूज कर सकते हो। तो देखिए, अभी तो मैं बोलूंगी ये जो कोरोना का टाइम है तो बहुत ज्यादा वेस्टेज वगैरह अपने को नहीं करना चाहिए, ऐसे भी नहीं करना चाहिए वेस्टेज तो, बट अभी तो बिल्कुल ही नहीं। जितना ज्यादा अपन यूज कर सके उसी में एक गृहिणी की बहुत ही अच्छी मतलब समझदारी होती है।
ये देखिए फ्रेंड्स, जब तक ये कलाकंद हो रहा है बस हम एक छोटी सी प्लेट के अंदर हम एक इसको ग्रीस कर लेंगे, इसको ग्रीस करके रेडी रख लेंगे। फ्रेंड्स मुझे लग रहा है कि अभी कलाकंद हो चुका है, तो मैं इसको अब ट्रे के इस ग्रीस करी हुई प्लेट के अंदर इसको निकाल के और सेट कर लेती हूँ। एक बार मैं हाफ ही किनारे में लगा रही हूँ, बिकॉज ये प्लेट काफी बड़ी हो गई है, नहीं तो ये जो कलाकंद के पीसेस हैं उसकी हाइट मुझे ज्यादा नहीं मिलेंगी। अब इसको हम थोड़ा डेकोर कर लेंगे इलायची का पाउडर, बादाम पिस्ता वगैरह से, और ठंडा होने देंगे। तो चलिए इसके ठंडे होने के बाद में मिलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, ये जम चुका है और अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा जैसे रोज पेटल्स के मतलब ऐसे हाथ से तोड़ लिया है, इस बहुत ही अच्छा कलर आ रहा है देखिए। और अब मैं इसके अंदर डालूंगी ऐसे ऊपर से थोड़े से पिस्ते। आपको जो डेकोरेशन करना है आप कर सकते हो। थोड़ा इलायची तो अपन लोगों ने स्टार्ट में डाली दिया था। अब हम इसको काट के देखेंगे। ये देखिए बस बिल्कुल आप जैसे आपको पीसेस करना हो, लंबे चौड़े जो आपका दिल करे वैसे आप ये पीसेस काटिए। कि मैं थोड़े से लंबे ये देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी अपनी कलाकंद बनी है, और उसकी जाली देखिए। और आप इसको जरूर बनाएं, और ये भाइयों के लिए अभी त्योहार है ये तो बहुत अच्छा है। अगर आप इसको बाइट साइज देखिए ऐसे काट लेते हो तो एक बाइट में आपके मतलब एक बाइट साइज ये बन जाएगा। तो आप जैसे चाहिए वैसे कर लें। तो कैसे लगी आपको ये रेसिपी? है ना बहुत ही आसान और धासु, इतनी बढ़िया कि कोई बोलेगा ही नहीं। आप पहले पहले तो आप गेस्ट भी मत करने देना, बताना भी मत आपने बनाया है, और फिर देखते हैं कि गेस्ट करते हैं क्या कि आपने बनाया है। आपके बहुत ही तारीफों के पुल बनने वाले हैं इस राखी। भाई बहुत खुश हो जाएंगे कि बहन ने कुछ अपने हाथों से बनाया है। So, जरूर बनाएं, खिलाएं सबको, और हमें बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। एंड प्लीज आप सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर चैनल पे नए हो तो। एंड प्लीज आपके फ्रेंड्स को भी बताइए मेरे चैनल के बारे में, तो मुझे भी सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे। बेल आइकन जरूर दबाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मसाला मिस्ट्री।